तो दोस्तों नमस्कार मैं राम कुमार गुप्ता आज आपके लिए केला के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों जब हम बाज़ार केला खरीदने जाते हैं तो हम हों या आप केला कैसा खरीदें ये एक बार सोचते ज़रूर हैं कुछ लोगों को कुछ कच्चा केला पसंद होता है तो कुछ लोगों को अतपका केला लेकिन दोस्तों यदि हमें इस तरीके के केले न मिलकर ज़्यादा पके केले खरीदने पड़ जाएं तो मन भारी हो जाता है दोस्तों आज का विषय यही है कि क्या पका केला जिसमें कि काले और भूरे रंग के चकत्ते होते हैं यानी जिन्हें हम लोग चित्तीदार केला कहते हैं क्या वो सेहत के लिए हानिकारक हैं क्या पका केला हमें नहीं खाना चाहिए तो इसी गुत्थी को सुलझाने हम पहुंच गए अपने डॉक्टर दोस्त अरुण राय के पास और उनसे अपनी समस्या बताई तो दोस्तों उन्होंने हमारी बात बहुत ही गौर से सुनी और कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने रखे दोस्तों उन्होंने बताया कि पके केले में जो काले और भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं वो टी एन एफ यानी ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर यानी टी एन एफ एक कैंसर रोधक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को कम करती है दोस्तों पका केला गठिया बात रोगों एवं हृदय के लिए तो रामबाण दवा है और दोस्तों ये पका केला चूँकि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है इसलिए रक्त प्रवाह दमा एवं पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों पका केला बेकार समझकर फेंके नहीं अच्छे मन से खाएं बस जिन लोगों को यदि शुगर या, या डायबिटीज है वो इसके सेवन से बचें दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें इसके लिए आपको कोई अलग से फीस तो लगना नहीं है बल्कि आपके द्वारा किया गया ये काम मेरे उस